खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर कमिश्नरेट मंचलों ने बर्थडे पार्टी में बुलाया युवती को। चकीरी थाना क्षेत्र के अहिरवा चौकी का है मामला। युवकों ने गलत नियत के चक्कर में बुलाया था महिला दोस्त को, वहीं युवती के साथ गलत करने की फिराक में थे युवक। साथ ही युवती ने बताया कि पास में रखी अर्गन को हाथ में लेकर फोटो खिंचवाई। वहीं युवकों ने युवती के अर्गन की फोटो खींच कर वायरल कर देने की धमकी देते रहे। इतना ही नहीं बल्कि युवती से अश्लील हरकत व उठा ले जाने की भी युवक देते रहे लगातार धमकी। युवती ने बताया कि कॉलेज व अन्य जगह आने जाने से युवक मेरे साथ कई बार छेड़छाड़ व गलत हरकत की है। कई बार युवती के द्वारा 1090 व अन्य हेल्पलाइन नंबरों के साथ साथ चकी थाना में मुकदमा दर्ज करवाने गई, पर आज तक कोई न्याय नहीं मिला सका। वहीं मंचलों ने युवती की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। साथ ही युवती से तहरीर वापस लेने की धमकी देते हुए जान से मारने की बात कही। युवती ने शोधों से परेशान होकर वीडियो किया सोशल मीडिया में वायरल। मेरा नाम काजल गौतम है, मैं एरवा में रहती हूँ। कुछ लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड था यजवेन ठाकुर, उसका बर्थडे था तो उसने मुझे बुलाया था अपने घर, तो वहाँ पर मैं गई हुई थी। तो वहाँ पर जब मैं पहुँची तो उसने मुझसे बोला कि हाँ मेरी और मेरी फ्रेंड है, दो तीन आ रही हैं। जब वहाँ पर गई तो मुझे तीन लड़के मिले, संजय केसरवानी, गोलू चंडेल, अमन वाजपेयी, साहिल ठाकुर, तीन चार लड़के मिले। तो मैंने पूछा अभी कोई आया नहीं है, तो कह रहे कि हाँ अभी आ रही हैं वो लोग। तो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने कहा कि नहीं मैं जा रही हूँ। तो पर मैं वहाँ पर जाने की कोशिश की तो उन लोगों ने रोका मुझे। तो मैं ठीक है मैं रुक गई, मैंने सोचा आ रहे हैं कुछ लोग भी। तो वहाँ पर बैठी मैं, मैंने देखा वहाँ पर स्मोक लाइटर रखा हुआ था, उससे वो लोग सिगरेट पी रहे थे। तो मैंने स्मोक लाइटर देखा तो मैंने कहा दिखाना, तो मैंने उस स्मोक लाइटर के साथ मैंने एक फ़ोटो क्लिक करवा ली थी। तो इसके बाद जब मैं वहाँ से जाने लगी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे गलत जगह टच करने की कोशिश की। तो जब मैं वहाँ से जाने लगी मैंने इसका विरोध किया, तो इन लोगों ने जब मैं वहाँ से ज़बरदस्ती जैसे तैसे करके मैं वहाँ से चली गई। और जाने के बाद लोगों ने मुझे फ़ोन पर धमकियाँ दी कि अगर तुमने मुझसे मिले नहीं, मुझे मिलोगी तो मुझसे मिलो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ये तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर देंगे, पिस्टल बना करके, रियल पिस्टल बना करके वायरल कर देंगे, ऐसा इन लोगों ने बोला। तो मैं डर गई थी, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं की। तो उसके बाद जब मुझे ये धीरे धीरे करके हमेशा काफ़ी दिन हो गए, मुझे रोज़ परेशान करने लगे, तो मैं परेशान होकर के मैंने कंप्लेन की थाना चकेरी में, कंप्लेन की 1090 पे कंप्लेन की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैंने कंप्लेन मेरी FIR देने के बाद इन लोगों को पता चला, तो इन लोगों ने मुझे कॉल किया, बोला मेरी फ़ोटो वायरल कर दी, रियल पिस्टल बना करके कि हम पिस्टल रखते हैं, ये बना करके वायरल कर दी। बोला कि अगर अपनी कंप्लेन वापस नहीं लोगे तो हम मतलब मेरी पिस्टल वायरल कर दी, पिस्टल के साथ मेरी फ़ोटो वायरल कर दी, जो स्मोक लाइटर था। मुझे धमकी दे रहे थे, पहले इन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर अपनी कंप्लेन वापस नहीं लोगे तो हम ये वायरल कर देंगे। तो ऐसा इन लोगों ने मेरे साथ किया, पर वो कोई रियल पिस्टल नहीं थी। मैंने बहुत कार्रवाई इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 1090 पे कंप्लेन की, थाना चकेरी में कंप्लेन की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कोई पिस्टल नहीं रखी है।